अल्फ्रेडो पेने पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल किए हुए पेने पास्ता, मैदा, ऑलिव ऑयल, मिल्क, बे लीफ, नटमेग, ओरिगानो, चिली फ्लेक्स, इटालियन सीजनिंग, सॉल्ट, चीज, चॉप रेड चिली, ग्रेटेड हमारे ग्रीन कैप्सिकम, कॉर्न, स्वीट कॉर्न बॉइल किया हुआ, ऑलिव्स एंड सॉल्ट। अल्फ्रेडो पेने पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गैस पे रख रहे हैं। अब सबसे पहले हम अल्फ्रेडो सॉस बनाएंगे। उसमें हम 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ले रहे हैं। आप चाहो तो बटर ले सकते हो। ऑलिव ऑयल गरम होने आया, उसमें हम 3 टेबलस्पून मैदा डाल रहे हैं। मैदे को ऑयल के साथ अच्छे से सौते करना है। अगर आप मैदा नहीं खाते हो तो आप व्हीट फ्लावर से भी ये बना सकते हो व्हाइट सॉस। इसमें हम एक बे लीफ डालेंगे। अल्फ्रेडो सॉस बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। अब हम इसमें धीरे धीरे मिल्क ऐड करेंगे। इसमें 1/2 to 1 कप जितना मिल्क जाएगा, बट मिल्क आपको सॉस जैसा चाहिए, ठीक चाहिए तो आप कम मिल्क डालिए, अगर आपको सेमी ठीक चाहिए तो आप मिल्क ज्यादा डालिए। आप अपनी चॉइस से सॉस बना सकते हो। मैं अभी थोड़ा डाल रही हूँ और इसे कंटिन्यू स्टर करना है ताकि अंदर व्हाइट लम्स ना हो हमारे। आप देख सकते सॉस बहुत ठीक है। हम मिल्क ऐड करते जाएंगे थोड़ा। अभी मैंने इसमें 1 कप मिल्क लिया हुआ है, बट इसमें कितना ज्यादा है हमें देख के डालना है। हमने पूरा 1 कप मिल्क ऐड कर दिया है। ये हमारा प्लेन व्हाइट सॉस है, उसमें बे लीफ नहीं आता है, बट हमें अभी अल्फ्रेडो बना रहे हैं इसलिए उसकी फ्लेवर के लिए हमने बे लीफ डाला है। प्लेन व्हाइट सॉस में मिल्क और मैदा और व्हीट फ्लोर या बटर होता है, उसको सौते करके जो व्हाइट सॉस बनाता है उसमें हम अपना जो सीजनिंग करते हैं उससे व्हाइट सॉस रेडी होता है। आप देख सकते हैं हमारा सॉस अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब हम इसमें सीजनिंग कर देंगे। हाँ, अभी हम डायरेक्ट अल्फ्रेडो सॉस ही बना रहे हैं। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रहे, 1 टीस्पून ऑरिगानो डाल रहे, 1 टीस्पून इटालियन सीजनिंग डाल रहे, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे, 1/4 कप हमने पानी लिया है। अल्फ्रेडो सॉस में जो फ्लेवर आता है वो बेली फन नटमेग का आता है, तो हम इसमें नटमेग डालेंगे, क्रश करके डाल रहे। 1/8 टीस्पून जितना नटमेग डाला है। ये व्हाइट पास्ता की सबसे रिच वैरायटी है। अब हम इसमें थोड़ा चीज अभी डाल देंगे और थोड़ा चीज हम बाद में ऊपर से गार्निशिंग में डालेंगे। चीज आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो, आपको जितना पसंद है। अगर आप नहीं खाते तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। अभी हम 1/2 क्यूब अंदर डाल रहे हैं। जो व्हाइट सॉस में हम चीज डाल देते तो वो चीजी सॉस हो जाता है। हमारा जो ये अल्फ्रेडो सॉस रेडी हो रहा है बहुत ही फ्लेवरफुल है। स्वीट कॉर्न डालेंगे। 2 टीस्पून जितना स्वीट कॉर्न लिया है मैंने बॉइल करके। 1/4 कप हमने ग्रेटेड ग्रीन कैप्सिकम लिया है। हम इसमें रेड चॉप चिली डालेंगे। अभी थोड़ा डाल रहे हैं, ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग के लिए रख रहे हैं इसमें से। अब हम इसमें बॉइल किए हुए पास्ता डालेंगे। हमने अभी 1 कप बॉइल किए हुए पेने पास्ता लिए है। अच्छे से मिक्स करेंगे। पास्ता के साथ में सॉस पूरा कोट हो जाना चाहिए। अब हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, बट हमने चीज डाला है तो हमें सॉल्ट बहुत देख के डालना है। और हमने जब पास्ता बॉईल किए थे तब भी हमने पिंच ऑफ सॉल्ट उसमें डाला हुआ था। अब हम उसमें ऑलिव्स ऐड कर रहे हैं। हम ये अल्फ्रेडो सॉस बना के स्टोर भी कर सकते हैं और उसमें से हम अल्फ्रेडो राइस से
अल्फ्रेडो बॉल से इटालियन स्टार्टर कुछ भी हम सॉस डाल के उसमें से क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास्ता बनके रेडी, हम गैस को ऑफ कर रहे हैं और पास्ता को एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने अल्फ्रेडो पैने पास्ता को बाउल में ट्रांसफर कर दिया। अब हम उसका गार्निशिंग करेंगे। हम उस पर थोड़ा सा चीज से ग्रेटेड करेंगे, हम ऑलिव्स डालेंगे, ये हमने जो चॉप चिली रखा है रेड, और थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। तो रेडी है हमारे व्हाइट पास्ता की एक और वेराइटी, अल्फ्रेडो पैने पास्ता। रोज का सवाल क्या बनाए, पाए उसका जवाब। डाउनलोड करो सुबह नौ ऐप, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।